गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को वेव हैप्टिक चैप्टर से फिजिक्स 12th क्लास 10th चैप्टर वेव हैप्टिक्स वेव फ्रंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। और वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए ही ज़्यादा ज़रूरी है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है, है ना। तो बोर्ड और कंपटीशन दोनों के लिए 12th क्लास फिजिक्स 10th चैप्टर वेव हैप्टिक्स से है। वो वेवलेट वेव हाइगंस थ्योरी वेव फ्रंट वेवलेट से रिलेटेड है ना। लेकिन वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही बन सकता है और उसमें बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन नीट जेई के लिए भी ज़रूरी है वो क्वेश्चन, है ना। तो उसमें से देखिए ये है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले तो ये बता दें कि जो वेव फ्रंट होता है तो उसमें यदि रेज जो है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है तो कन्फर्म है ना। ये आप पीछे पढ़े होंगे तो भी जानेंगे, रेज जो है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। पहले कुछ हम इंस्ट्रक्शन यहाँ पॉइंट लिखे देते हैं, रेज परपेंडिकुलर वेव फ्रंट। पहली बात तो ये, रेज जो है वेव फ्रंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर। और दूसरी बात ये, फॉर पैरेलल रेज वेव फ्रंट इज ए प्लेन वेव फ्रंट। फॉर पैरेलल रेज वेव फ्रंट इज प्लेन वेव फ्रंट एंड फॉर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग रेज वेव फ्रंट इज स्फेरिकल। ये बात ध्यान रखना, रेज और वेव फ्रंट एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। रेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। और यदि पैरेलल रेज है, फॉर पैरेलल रेज, यदि रेज पैरेलल है तो वेव फ्रंट क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। और यदि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग रेज है तो वेव फ्रंट क्या होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। तो यहाँ पर हम कुछ डायग्राम आप लोगों के सामने बनाएंगे और उसमें ये दिखाएंगे कि लेंस, जैसे लेंस लेंगे, प्रिज्म लेंगे, मिरर लेंगे और उसमें वेव फ्रंट को हम दिखाएंगे कि यदि इंसिडेंट वाला प्लेन है तो रिफ्लेक्टेड वाला क्या होगा, ऐसा टाइप का, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए ये जो है एक लेंस है, ठीक, और इसमें ये लेंस, और इसमें लाइट रेज ये है। यदि हम इसको वेव फ्रंट माने, यदि इसको इंसिडेंट वेव फ्रंट माने, इंसिडेंट, तो ये रेज सभी क्या है, पैरेलल है। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट जो होगा वो कैसा होगा, प्लेन होगा। और ये सब जाके एक पॉइंट पर ये क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है ना। ये क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं। तो ये जो वेव फ्रंट बनेगा, ये जो वेव फ्रंट है वो क्या, इंसिडेंट वेव फ्रंट जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि ये सब के सब क्या है, पैरेलल हैं, और ये सब के सब क्या हो रही हैं, कन्वर्ज। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट जो होगा वो क्या होगा, प्लेन होगा, और रिफ्रेक्टेड वाला जो वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल होगा। हम ये आए कहना चाहते हैं कि इसमें इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है वो कैसा है, प्लेन वेव फ्रंट। और जो रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट जो है वो कैसा है, स्फेरिकल है।
स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ठीक है ना। यानी यदि लेंस में इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन है, इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या है, प्लेन है, तो रिफ्रेक्टेड वाला कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, ठीक है। दूसरी बात, यदि मान लीजिए इसमें इस टाइप का है, ये इसमें क्या होगा, इसमें इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा होगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है वो कैसा है, स्फेरिकल, ठीक है ना, स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये डब्ल्यू एफ वेव फ्रंट है, ठीक है ना। और रिफ्रेक्टेड वाला कैसा है, रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट जो आया वो कैसा हो गया, इसमें क्या हो गया, प्लेन, प्लेन वेव फ्रंट हो गया, ठीक है ना। यानी आपने ये देखा कि यदि लेंस में इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन है तो रिफ्रेक्टेड वाला स्फेरिकल होगा, और यदि इंसिडेंट वाला क्या है, स्फेरिकल है, तो रिफ्रेक्टेड वाला क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट। और तीसरे में ये देखते हैं, मान लीजिए ये वाला लेंस है, यानी यदि हम मिरर की बात करें, मान लो मिरर है, ठीक, ये देखना, ये तो ये ऐसे होगा कि नहीं, और ये ऐसे जा रही तो इधर से लौटेगी भी, ठीक है। तो इसकी यदि बात करें तो ये इंसिडेंट वाला क्या होगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है वो कैसा है, प्लेन वेव फ्रंट है, क्या है, प्लेन वेव फ्रंट। और ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो है वो कैसा है, स्फेरिकल, है कि नहीं। ये यानी कि मिरर में यदि इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन है, इंसिडेंट वाला क्या है, प्लेन है, तो रिफ्रेक्टेड क्या होगा, स्फेरिकल। जैसे इंसिडेंट वाली लाइनें कैसी हैं, पैरेलल हैं, और रिफ्रेक्टेड वाली कैसी हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है ना। ये प्रिज्म में देखिए, ये है एक प्रिज्म, क्या है, प्रिज्म, ठीक है। इसमें ये इसमें इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा है, प्लेन, इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा है, प्लेन, प्लेन वेव फ्रंट है। तो रिफ्रेक्टेड या इमर्जेंट वेव फ्रंट ये भी कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा, ठीक है ना। प्रिज्म में यदि इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है वो प्लेन है, तो उससे रिफ्रेक्टेड वाला भी जो होता है वो कैसा आता है, प्लेन ही होता है,
ठीक। मान लीजिए यहां पर ये वाला लेंस ले लेते हैं, ये वाला लेंस, ये इसमें तो ये हो जाएगा ऐसे, तो ये इंसिडेंट तो प्लेन है और ये इधर आएगी ना, तो ये तो इसमें भी क्या होगा, इंसिडेंट प्लेन और रिफ्रैक्टेड जो होंगी वो क्या होंगी, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है ना, ये भी जान लो। यानी इसमें कॉनकेव में यदि इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है, इंसिडेंट क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है, तो रिफ्रैक्टेड वाला क्या होगा, स्फेरिकल आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों से ये क्वेश्चन किया जा सकता है ना, तो याद रखिएगा ये बड़े कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नीट उट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। ये तो ये बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या आंसर इन वन वर्ड वन सेंटेंस वाले में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसके लिए भी ज़रूरी है। इस प्रकार यदि और क्वेश्चन को आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।